हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है कुक विद अफशा। तो आप समझ चुके होंगे आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं कुल्फ़ी। तो फटाफट से तैयारी करते हैं। तो हमने लिया है यहाँ मिल्क, जो कि है 1 लीटर फुल फैट मिल्क है। उसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, मिल्क को अच्छे से बॉयल कर लेंगे। उसके बाद शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर। उसको हम थोड़ा सा वाटर डाल के उसका इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे और इस तरीके से चलाते हुए इसको इसमें ऐड करेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। धीमे धीमे यहाँ से चलाते हुए इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। जब आप इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये थोड़ी देर में ही थिक हो जाएगा। अब थोड़ा सा मेरे पास एक खोया था जो कि घर में रेडी किया था, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर ही हमारी कुल्फी बन जाती है। यहाँ मैंने मलाई ली है, जो मेरी घर की मलाई है। आप चाहे तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम जो आती है व्हिप करके, वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपने हिसाब से कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, आप जो चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे, तो मैंने 4 ब्रेड्स लिए थे। उसको इस तरीके से मिक्सर में ग्राइंड करके मैंने ये ब्रेड क्रम्स रेडी किया था, जो कि बिल्कुल फ्रेश है। आप वो ऐड कर सकते हैं और कुछ ही देर में देखेंगे ये बहुत अच्छे थिक हो जाएगी। और इस स्टेज पर आप इसको मोल्ड्स में या तो किसी भी ग्लास में या किसी भी बाउल्स में आप इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से एक कीप लिया है छोटा सा, जिसको मैं इसके अंदर फिल कर रही हूँ। तो ये हम इसको सारी मोल्ड्स को फिल कर लेंगे। कुल्फी बनाने के लिए आप कोई भी ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने ये 2 ग्लास भी ले लिए स्टील के, आप एलुमिनियम का या कोई भी प्लास्टिक का ग्लास लेके इसको इसमें फ्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ आप ये याद रखिए, जब भी इसको फ्रीज़ करें तो आप यहाँ पे फॉइल का यूज़ कर लें। तो ये होता क्या है कि जितनी भी जल्दी हमारी बहुत जल्दी हमारी आइस कुल्फी बनके तैयार हो जाती है, और इसमें कोई भी आइस ऊपर नहीं बनती है। ये इस तरीके से इसमें छोटे छोटे होल्स करके इसमें स्टिक इंसर्ट कर देंगे। आप ग्लासेस में भी इस तरीके से फॉइल लगा के इसको फ्रीज करेंगे। तो ये मैंने इसको इसको ढक दिया है, इसके अंदर स्टिक्स ऐड कर दिए हैं। ये मैंने इसको फॉइल्स लगा के, रबर बैंड लगा के इसको हम कम से कम 8 घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे। छोटे छोटे फॉइल्स ग्लासेस में इसको फॉइल्स लगा के इस तरीके से स्टिक लगा के ये हमारी कुल्फी बनके तैयार है। देख सकते हैं ग्लास में फ्रीज हो चुकी है। अब हम इसको निकाल के कट करके देखते हैं कि हमारी कुल्फी कैसी बनके तैयार हुई है। तो ये इसको हल्का सा थोड़ी देर में इसको आप रब करके हैंड से, और ये बहुत ही यम्मी तरीके से डिलीशियस बनती है ये, और फ्रिस्क। आई होप आपको ये कुल्फी की सिंपल और इजी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना बहुत ख्याल रखिए।